हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक 2016-17 के विरोध व कर्मचारियों की मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और रोडवेज महाप्रबंधक के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हमने जो ज्ञापन दिया है मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में दिया है, ये 2016 में इन्होंने लागू करने के लिए वो कर रहे थे, परंतु हमने 2-3 बार विरोध किया, 2-3 बार हड़ताल कर चुके हैं और सरकार मान जाती है, फिर उसके बाद फिर तानाशाही रवैये से इसको लागू करना चाहती है। इसके विरोध में हमने आज 2 घंटे का प्रदर्शन किया है और इससे जो नुकसान है, इससे ऐसा जैसे एक बार एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर भाई पर तो उस पर जुर्माना है, अगर 2 बार हो गया तो उससे ज़्यादा जुर्माना, और 3 बार एक्सीडेंट होने पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा, जिससे हमारे चालक भाइयों को काफ़ी नुकसान होगा।